गेटमैन को अपराधियों ने मारी गोली। रेलवे फाटक की चाबी लगाकर कमरे में सो रहा था, इलाज के दौरान गई जान। पत्नी से मिलने ससुराल जा रहा था, हादसे में मौत। हेलमेट लगाए बिना ही चला रहा था बाइक, गिरा तो सिर में लगी चोट, मौत। लेकर सरकार सजग, सीएम नीतीश ने दिया निर्देश। कोरोना के तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। कॉल पर कोरोना जांच टीम पहुंचेगी घर। पटना में कोरोना की जांच के लिए 10 मोबाइल टीम तैयार, चलते फिरते होगी जांच। जदयू की नसीहत पढ़ाई पूरी करे तेजस्वी, नीरज ने कहा। झारखंड के शिक्षा मंत्री 54 साल की उम्र में पढ़ रहे, विपक्ष के नेता भी पढ़े। डीयू का अति पिछड़ा कार्ड, 24 जनवरी को जदयू त्रिस्तरीय पंचायत में जीत कर आए अति पिछड़ा समुदाय के जन प्रतिनिधियों को सम्मानित करेगा। पछुआ से बिहार में कनकनी बढ़ी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा ने बढ़ाई कनकनी, 48 घंटे में 3 डिग्री और गिरेगा पारा। 16 और एम्स के 2 डॉक्टर सहित बिहार में 281 संक्रमित, 24 घंटे में 77% बढ़े नए केस। मंदिर से लौट रहे युवक की हादसे में मौत, फेकू बाबा का दर्शन कर दोस्त संग लौट रहा था, पोल से टकराई बाइक, दोस्त की हालत गंभीर। अमृत की तलाश में तेज प्रताप, FIR के बाद हरिद्वार पहुंचे लालू के बड़े बेटा, कहा अमृत की बूंदे यहां भी गिरी। यूपी की लड़ाई में उतरे बिहार के सिपाही, पूर्वांचल में बिहार के नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, काशी और गोरखपुर पर विशेष ध्यान। गिफ्ट देने के लिए बुलाया फिर मारा चाकू, बेगूसराय में बॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप का प्रयास, विरोध करने पर 8 मारी चाकू। नवादा में पत्नी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, पैसे के लिए तंग करता था पति, पत्नी ने विरोध किया तो जिंदा जलाया, हालत गंभीर। गिफ्ट देने के लिए बुलाया फिर मारा चाकू, बेगूसराय में बॉयफ्रेंड ने दोस्तों संग मिलकर किया गैंगरेप का प्रयास, विरोध करने पर 8 मारी चाकू। हादसा, अखाड़ा घाट रोड में तेज रफ्तार वाहन ने कार में मारी टक्कर, 2 घायल। कल्याणी चौक पर अनियंत्रित होकर गिरा बाइक सवार।